नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता है चैनल स्टडी विद हर्षम। आज अपन यूडाइस प्लस में फाइनल सबमिट करने के बाद सर्टिफाई कैसे करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में पूरा जानेंगे दोस्तों। और सर्टिफाई करने के बाद आपको क्या क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। और आपको एक बात और बता दूँ, 5 मई इसकी लास्ट डेट है। बार बार इसके मैसेज किए जा रहे हैं उच्च अधिकारियों द्वारा, बार बार कहा जा रहा है। और यूडाइस जो साइट है ये भी थोड़ी प्रॉब्लम में चल रही है, क्योंकि इस पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए स्पीड भी स्लो है। तो आपको हो सकता है थोड़ा स्लो स्पीड में, तो इसका आपके लिए एक्चुअल टाइम या तो सुबह जल्दी उठ के करें, या फिर आप देर रात को आप कर सकते हो। अब दोस्तों, आप जैसे यूज़र आईडी से आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे, तो लॉगिन होने के बाद आपको स्कूल की जैसी डैशबोर्ड पे चले जाओगे, यहाँ पर आपका स्कूल का डैशबोर्ड पूरा आ जाएगा। आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद में इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये यहाँ पर दिखाई देगा। अब दोस्तों, इस पे स्पेशल नोट 1 में दे रखा है कि देर इज़ ए मास्टर DCFA फॉर स्कूल हैविंग ए ग्रेड्स 1 to 12, और इसमें ये दिया हुआ है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट दे रखा है नीचे कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डाटा एंट्री एंड क्रॉस चेकिंग ऑफ डाटा एंटर्ड डाटा मस्ट बी सर्टिफाइड बाई स्कूल यूजर और ब्लॉक एंट्री यूजर थ्रू सर्टिफाइड डाटा मॉड्यूल फॉरम सीरियल नंबर, यानी कि लास्ट का जो सीरियल नंबर है उससे आपको सर्टिफाई करना डाटा है। सर्टिफाई मॉड्यूल्स विल बी ओपन्ड वेरी शॉर्टली। तो अभी ये चालू हो चुका है सर्टिफाई, जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको कि स्कूल ने सर्टिफाइड डाटा मॉड्यूल्स फॉरम एस सीरियल नंबर 42 हैज़ बीन ओपन्ड है। DCF कैन नॉट बी एडिटेड एंड अल्टर्ड आफ्टर सर्टिफिकेशन, यानी सर्टिफिकेशन करने के बाद में आपका जो डाटा है वो किसी प्रकार से उसमें चेंजेबल संभव नहीं है। जिस प्रकार से ये कंप्लीट कंप्लीट दिखाई रहा है, इसमें आप अच्छी तरह से क्रॉस चेकिंग कर लें, और चेकिंग करने के बाद में आपको कहीं लगे तो इसको आप एडिट कर सकते हो। अब आपको जो डाटा है वो वैलिडेशन करना है। सबसे पहले जो ये कॉलम है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें वैलिडेशन करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आप जितनी बार भी आओगे इसको वैलिडेट करना होता है। तो आज हम इसको सर्टिफाई कर रहे हैं, तो सर्टिफाई करने के बाद में नो चेंज होगा, तो ये हमने सक्सेसफुली कर दिया। अब हम दोस्तों यहाँ से बैक चले जाते हैं। जैसे ही अपन बैक जाएंगे तो यहाँ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। अब आपको लास्ट में आना है, और लास्ट में आने के बाद में 42, इससे पहले आपने DCF पे डाउनलोड करके देख लिया होगा अच्छी तरह से कि आपका सही है या नहीं है, वो आपने चेक कर लिया होगा। चेक करने के बाद में इसको आपको सर्टिफाई करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे सर्टिफाई स्कूल डाटा। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ दे रखा है कि बी श्योर दैट यू हैव वे फील्ड अप ऑल करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन ऑल फॉर्म ऑफ DCF, यानी आपने अच्छी तरह से इसको सही सही से इन्फॉर्मेशन आपने DCF में भर दी है। एंड आफ्टर सर्टिफाइड डाटा ऑल फॉर्म्स ऑफ DCF विल बी डिसेबल्ड, फ्रोजन, यूजर कैन नॉट अल्टर एडिट एनी इन्फॉर्मेशन आफ्टर सर्टिफाइड डाटा। तो डिक्लेरेशन बाई यूजर, यानी स्कूल यूजर से करना है। स्कूल यूजर का मतलब आप डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले, फिर ये डाटा जो है ब्लॉक लेवल पे एंट्री चली जाएगी और वहाँ से फिर उनको करना है। तो इसको भी ध्यान से थोड़ा पढ़ लो कि आई हैव बाय दैट डिक्लेयर, यानी मैं इसको प्रमाणित करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन एंटर्ड बाई DCF, यानी जो डाटा के अंदर DCF के अंदर जो इन्फॉर्मेशन एंटर की गई है इज़ ट्रू, सही एंड सत्य और सही है। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी मेरे जितना भी मुझे ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग वो सही है। एंड आई अंडरटेक टू इन्फॉर्मेशन एनी चेंज देर इन इमिडिएटली। तो ये इसमें लिखा गया है, यानी इसी प्रमाणित करेगा स्कूल यूजर। तो यहाँ डिक्लेयर्ड बाई एंड डेजिग्नेशंस और मोबाइल नंबर, तो यहाँ आप प्रधानाचार्य, आपके जो भी स्कूल के अंदर प्रधानाचार्य हैं उनके लिख दे नाम, और यहाँ डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर और सर्टिफाई करें। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ आने के बाद में आप जैसे डिक्लेयर्ड स्कूल यूजर से कर रहे हो, तो आप हेडमास्टर से डिक्लेयर करोगे, क्योंकि ऑथेंटिकेशन जो है हेडमास्टर इसको डिक्लेयर करेगा, तो कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन भरी वो सही भरी है। और यहाँ पर सर्टिफाइड डाटा को क्लिक करें। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसको करोगे सर्टिफाई, तो स्कूल डाटा हैज बीन सर्टिफाइड सक्सेसफुली, नोट इन केस ऑफ एनी करेक्शन नीडिड प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी CBO से आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। और अब आप डैशबोर्ड पे जा सकते हो, और यहाँ से जो आपका एक्नोलेजमेंट है वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो इसको अपन सेव करके एक्नोलेजमेंट नंबर इसमें देख लेते हैं, और इसी प्रकार से आप फील्ड फॉर्म भी यहां से देख सकते हो। जैसे इस फील्ड फॉर्म पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर ये भी सेविंग का ऑप्शन आएगा। चलिए दोस्तों, ये आपका एक्नोलेजमेंट आ गया, जिसमें डियर पार्टिसिपेंट यानी प्रिय प्रतिभागी, वी हैव ग्रेटली अप्रिसिएट टू योर वैल्यूएबल टाइम एंड एफर्ट्स दैट यू हैव स्पेंड इन फिलिंग आउट ऑफ, यानी ये आपको दिया है इन्होंने,
बताया है कि आपका जो फॉर्म आपने अवेलेबल टाइम दिया और प्रयास किया आप स्पेंड किया वो बहुत ही सराहनीय है एंड द डॉक्यूमेंट इज सर्टिफाइंग दैट यू हैव ए सक्सेसफुली फिल्ड यूडाइस डाटा कैप्चर फॉर्म आपका सक्सेसफुली प्रमाणित हो चुका है एंड वी आर जी एंटीसिपेटिंग जी टू हैव योर एक्यूरेट आंसर्स दैट यू विल बी इनेबल टू रीच आउट ऑफ एक्यूरेट रिजल्ट्स अगेन थैंक यू वेरी मच एंड वी ग्रेटली अप्रिशिएट। और ये आपका एक सर्टिफाइव आप निकाल के स्कोर आपके DCF के साथ में लगा दें और फिर आप यहाँ से जो आपका ये नीचे पूरा इसमें डेजिग्नेशन स्कूल का डाइस कोड और इशारा दिया गया है और ये आपका जो फील्ड DCF जो है फील्ड फॉर्म है वो यहाँ से आप निकालें जो ये आपको दिखाई दे रहा है DCF, इसको आप यहाँ से क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और ये आपका डाइस हो जाएगा और यहाँ पर जो आपको पहले डाटा एंट्री कंप्लीटेड था और ये नोट सर्टिफाइड था ये सर्टिफिकेशन से अब कंप्लीट हो चुका है। ये फॉर्म आपको रखना है और ये रखने के बाद में आपको इसको इस फॉर्म को और एक्नॉलेजमेंट दोनों आपको जो है आपको वहाँ पहुँचाना है आपके PO ऑफिस में, इसकी कॉपी पहुँचानी है और वहाँ आपको जमा करा देना है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट इस प्रकार से तब होगा दोस्तों। तो ये इसकी डेट जो है 5 मई लास्ट है, ध्यान रखें। तो 5 मई तक आप किसी हालत के अंदर इसको करवा दें, नहीं तो बड़ी समस्या हो सकती है। आप डैशबोर्ड पे यहाँ से डायरेक्ट आप डैशबोर्ड पे भी जा सकते हो, जैसे ही डैशबोर्ड पे जाओगे तो पूरा आपको यहाँ से कम्प्लीटली दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको सर्टिफाई जो है वो करना है और सर्टिफाई का तरीका बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, ना OTP आएगा, केवल हेड जो आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है उसके हेड ऑफ जो आपका हेडमास्टर है उसके हिसाब से आपको कर देना और यहाँ पर सर्टिफाई लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये DCF का छोटा सा जो लास्ट कदम था, लास्ट स्टेप था, वो आपको बताना जरूरी था, जो मैंने आपको बता दिया, आपका काम इस प्रकार से कम्प्लीटली हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें दोस्तों, शेयर सबको करें ताकि सभी दोस्त इसके बारे में जान सके और 5 मई तक इसको काम को कंप्लीट कर सके। हो सकता है मे बी ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से 5 मई से डेट बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक 5 मई की डेट ही फिक्स है। ओके दोस्तों, थैंक यू।